दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आखिर एक स्मार्टफोन बनता कैसे है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर एक स्मार्टफोन बनता कैसे है। भारत में आमतौर पर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की काफी डिमांड रहती है, साथ ही काफी बातचीत होती है। खुद पीएम मोदी भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की बात करते रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन होता क्या है, ये बनता कैसे है। इसे जानने के लिए हम पहुंचे ग्रेटर नोएडा स्थित रियलमी की फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री में बन रहे थे रियलमी के दो लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन, रियलमी 12 Pro Plus 5G, इसके अलावा Realme 12 5G। ये दो स्मार्टफोन हैं जिसे ग्रेटर नोएडा की Realme फैक्ट्री में बनाया गया है। अगर इसकी मेकिंग की बात करें तो इन स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब इनके पार्ट्स को बाहर से मंगाया जाता है, जिसे भारत में असेंबल किया जाता है। इसी असेंबलिंग को भारत में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का नाम दिया जाता है। जब हम रियलमी फैक्ट्री में पहुंचे तो हमने देखा कि वहां मदरबोर्ड को बनाया जा रहा था। मदरबोर्ड कई सारे स्टेप से होकर गुजरते हैं, उस पर पेस्टिंग की जाती है, उस पर कवरिंग की जाती है। इसके बाद उसे एक टेस्ट फेज से गुजारा जाता है कि अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार किया जाए। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। इसके अलावा मैनुअल प्रोसेस से भी मदरबोर्ड को बनाया जाता है। इसके बाद जब मदरबोर्ड आगे बढ़ता है तो उसमें बाकी कंपोनेंट लगाए जाते हैं। इसमें आईसी समेत बहुत सारे छोटे कंपोनेंट होते हैं जिसे फिट किया जाता है। इसके बाद उसकी दोबारा पेस्टिंग होती है, दोबारा कवरिंग होती है और फिर इसकी टेस्टिंग होती है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है एक के बाद एक। इसके बाद उसमें बैटरी फिट की जाती है, उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसे आप वीडियो पर देख सकते हैं। इसके बाद आप पहुंचते हैं डिस्प्ले पर। डिस्प्ले को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जो एमोलेड डिस्प्ले होते हैं उस पर अलग तरीके से काम किया जाता है, जो कर्व डिस्प्ले होते हैं वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं, उनकी पेस्टिंग होती है, उनकी कवरिंग होती है। उसके बाद उसे फिर टेस्टिंग फेज से गुजारा जाता है, फिर उसमें बाकी कंपोनेंट के तौर पर बैटरी और बाकी चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो इस तरीके से एक स्मार्टफोन बनता है। ये इसकी असेंबलिंग प्रोसेस है जिसे आप देख रहे हैं वीडियो पर। एक स्मार्टफोन की असेंबलिंग प्रोसेस यही नहीं ख़त्म हो जाती है, इसके बाद इसका आता है ट्रायल और टेस्टिंग फेज। ये कई सारे टेस्टिंग से होकर गुजरता है जब स्मार्टफोन पूरी तरीके से बन जाता है। इसमें कोई पानी या धूल के कण ना जाए, इसके लिए इसे डस्ट और पानी के चैम्बर में रखा जाता है। उसे सुखाया जाता है, उसे गीला किया जाता है और उसे देखा जाता है किसी भी तरीके से ये स्मार्टफोन धूल या पानी के कण मौजूद होने पर ख़राब ना हो जाए। क्योंकि जब आमतौर पर स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे एक हीट टेम्परेचर भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस दौरान भी फ़ोन ख़राब ना हो जाए। इसके लिए एक स्मार्टफोन को करीब 50 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस पर ले जाया जाता है। उसके बाद उसे करीब -40 डिग्री पर लाया जाता है, जिससे देखा जाता है कि कहीं ये ठंडी या गर्मी के वक्त स्मार्टफोन ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा इसके जो कनेक्टिविटी फीचर्स होते हैं, मतलब जहां आप पोर्ट लगाते हैं या पावर बटन होते हैं उसको इस्तेमाल में कहीं ख़राब ना हो जाए, उसकी टेस्टिंग होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्मार्टफोन गिर जाता है, उस दौरान डिस्प्ले ख़राब हो जाती है या टूट जाता है, तो ये स्मार्टफोन जल्दी ना टूटे उसके लिए इसका ट्रायल होता है, टेस्ट किया जाता है। कई फीट हाइट से गिराया जाता है, उसके बाद टेस्ट किया जाता है, रोल किया जाता है। तो ये सारे टेस्टिंग फेज होते हैं। एक स्मार्टफोन का बनना उसके कंपोनेंट पे निर्भर करता है। दूसरा ये होता है कि उसकी असेंबलिंग की जाती है। जो तीसरा सबसे अहम पार्ट होता है कि उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग किसी भी स्मार्टफोन का सबसे अहम पार्ट होता है, तो टेस्टिंग की जाती है। तो एक स्मार्टफोन इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। जो फाइनल प्रोसेस है, चौथा प्रोसेस है, उसकी मार्केटिंग और बाकी। तो एक स्मार्टफोन 4 स्टेज से होकर गुजरता है। इसके बाद जो स्मार्टफोन आपके हाथ में पहुंचता है वो एक्चुअल स्मार्टफोन होता है। तो आमतौर पर आप देखेंगे कि बात होती है कि एक स्मार्टफोन 2 लाख में बिक रहा है, जबकि उसका जो मेकिंग कॉस्ट है वो 40 से 50 हज़ार रुपये है। तो एक स्मार्टफोन की कीमत में केवल असेंबलिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है, जबकि उसमें टेस्टिंग, मार्केटिंग और जो लेबर कॉस्ट होती है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे ऐसे वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते हैं।